ला दी तेज तलवार खूनी जे नसेगा ते हट के रहो पिछा। कलमे शरीफ ना पहला जड़ा लफ्ज़ा वो ला जड़ा के अरफे नहीं आ जिसने पर के तुसा खुदा तुलावा तमाम माबूदा में बातल जड़े उन्होंने इनकार करने हो के ला कोई भी नहीं इला इला नहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ला के दायम ला दी तेज तलवार खूनी। फतूल गए बीच एक मकाम पर हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाने के शिर्क जड़ा है महज बुतां नहीं पूजाना ना ही नहीं बल्कि हर वो चीज शिर्क ने दायरे चसनी जड़ी तू खुदा तू गाफल करे चाहे वो पैसे ना बुता तड़े अंदर चाहे वजात ना चाहे अना ना चाहे अक ना वो जितने बुते जब तक वो पाश पाश ना कर से ला नी तलवार ना लुमाई उन्होंने सर कलम ना कर से ये ख्याल मत करे कि तू तो ईद पर है या तो ईद ने उस आला मकाम पर है। सूरह फातिहा विच लिया ना के इया का ना बुदो कि असल ताड़ी इबादत कर रहे हैं मैं सूफिया ने आवाज पढ़िया के ईसाए तपर नमाज पढ़ने हो सूफिया ने कई दफा रोनी और रात गुजरेगी कि क्या वाकिया ये असल ताड़ी इबादत कर रहे हैं कि सारा खुदा पैसा दौलत दी इज्जत दा ये सारे बुद्ध सारे अंदर कठे होए होए जब तक इन्हें नहीं उब ना दिलू निगरती तब तक लाए ला असल मेरे अच्छी असल इस बाणी की वादा ही नहीं हो सकना। ताँ फरमाया हजूर ने कि जिस एक बारी दिलू आखिया लाए लाए ला उसने अपर जन्म नहीं आ कर हामी लेकिन ये आखना सोफा नहीं तो या का ना बुलू भाई या का नस्ता इन सूरह फातिहा नहीं तफसीर की थी खाजा बंदा नमाज गैसु दराज उन्होंने रसाए ले उसने भी क्यों फरमाने आका ना बुझू के क्या असा वाकया ही ताड़ी इबादत करने हैं। उसने भी एक वाकया जनाब नकल किया दसने के बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ताला जिसले ओ इरफान ने मेराज पर पहुंचे तो खुदा नाल जिसले पर हम कलाम होए तो पूछिया बायजीद क्या आंदा ही तो जनाब फरमान ले के अल्लाह मैं खालस तो ईद आंदी ताड़ी बरगाह फरमाया बायजीद तू दावा करना है तो ईद ना जनाब हैरान होए कि सारी जिंदगी ने नशा में ही किया फरमाया ताड़ी तो ईद नक सी वो हैरान होए कि माड़ी तो ईद किस तरह नक सी सारी जिंदगी कदम तुम्हारी रजात तो बार नहीं जाया फरमाया याद ही होश और रात जिसले तेरे पेट में दर्द सा तो तू आखिया मिकी दवाई नाल शिफा होई वो शिफा ना इशारा तू दुआ दर किया मारे दर नहीं किया लिहाजा तुम्हारी तो ईद खालस नहीं माबूदियत ने उस मकाम की नहीं समझी सकिया तो सोचो सारी क्या होती जिस तरह इस सूफिया नहीं तो इतने में गल करना पाया ना कि आवाम ना सलियो जिस तरह बचपन में साढ़े खुदा ने बारे तसवरात होने ना तो जड़े आज नहीं जिला एक बंदा पढ़ना कच्ची दुआ में जाके जाना जड़ी कच्ची भी चीज़ा पढ़ना उसने उसने सहन एक महदूद जी उसने दुस्त होनी जिसलै एमए तक जाना है वो एमए ला जेन जड़ा हो रहा इस तरह तो ईद ने भी मदारे जे जितने जितने खालस होने जासो तो सानी तो ईद और होनी जासी खुदा ना इतने खालस होने जासो जिस तरह के अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ताला एक दफा तबीब को लगे बीमार से ते उन्ना बोलूं उन्होंने डॉक्टर उस आख्या की कि दवाई खिड़ी तो जनाब थोड़े से चले आए जनाब रोना शुरू कर दिया और तभी हैरान होया भाई जनाब कि मैं आख्या कि तुसा चल सो तो दवाई का असर हो सी तुसा रोने हो पे जनाब फरमाया कि सारी जिंदगी गुजरी गई अबू बकर शिबली ना कदम उसने रजा तुलावा नहीं चलिया आज अपनी सेहत या भी इस तक किस तरह टुरा मैं सुफियानी तो इतना के खुदा नाल इतने ज्यादा खालस थे कि खाली मेले मेले में इकट्ठे होना या डालियां चाने नाल जेड़ा असा जेड़ा असल सुफियान नाल लंगर आ उसकी भुली बैठे हैं ये
ओ खुदा की बारगा कितने खालस थे। तो फरमाया ला नी तलवार जिसलै चलासे बाएं नहीं है जुमला। हजरत इमाम बाकर अलैहि सलाम मनाकब लस्फिया विच शेखर पुत्री यही अपनेरी रहमतुल्लाह ताला उन्होंने जुमला नकल किया के शिरक महज बुतों नहीं पूजाना ना नहीं। जिस तरह कुरान जी के मकाम फरमाया कि कुछ लोग ख्वाहिशों को माबूद बनाए हुए हैं। ये ख्वाहिशां जड़ियां के असं की खुदा तू गाफल करनिया गोया जिस खुदा तू गाफल किया खुदा तो होया ना खुदा खुदा नहीं दाड़ा। फिर जे पैसे इज्जत वजात अना नहीं वजह तू खुदा की भुलिया है तो फिर खुदा तो दाड़ा पैसा आना। तो ता फरमाया बायजीद तुम्हारी तो ईद खालस नहीं हालांकि वो किस मकाम ने सूफी है। तो साहिब इकबाल सरकार ने ये शेर आ सरकार फरमाने आना सजना आर गयो गल आर पेंदे आर गयो गल आर पेंदे कदी आर सी नव जेड़ा आर गया जंगल बिच मिलाल